राम राम भाई, मेरे सारे किसान बहन भाइया ने, सारे दर्शक साथिया ने, फील्ड मार्शल कृषि यंत्र यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शक साथिया ने भाई, द्वारका गांव में गुडाण द्वारका दादरी जिले में और आपने दिखावांगे एक बे किसान और किसान का जो लड़का है वे उसने के काम कर रखे हैं। ये आपने जो सौर ऊर्जा की प्लेट दिख दी होंगी भाई, सौर ऊर्जा की प्लेटा का आप सेटअप देख सको हो भाई, इसकी जो तकनीकी है वह आप पूरे देख सको हो भाई, किस तरीके से भाई ने ये जो सौर ऊर्जा का सेटअप है वो किस तरीके से तैयार कर रखा है। थोड़ा ऊपर दिखाइए भाई, अरे बड़बेरी है जो यार भाई, अनार का पौधा है वो भी लगा रखा है और इसके ऊपर पीछे भी इसने एक अपनी जो झोपड़ी वगैरह है, एक मकान वगैरह है वो तैयार कर रखा है शेड लगा के, और इसके आगे जो बरामदा आप कहा तो बरामदा भाई सौर ऊर्जा का तैयार कर रखा है और भाई तो मिलवावांगे आपने। तो भाई उरे दिखाइए भाई, ये देखो गौ माता है भाई, किसान के भाई पशु धन जो आग्रह है भाई, गौ माता आड़े दिखाई दी होंगी और ई बे या अंदर देखो भाई, इस झोपड़ी के अंदर वर्कशॉप एक फैक्ट्री लगा रखी है, यह आम कैश कहा भाई, यह किस तरीके का चाल है वह आप बात करवावांगे। मैं दिखाइए, ये देखो भाई कितना बढ़िया सेटअप बना रखा है, इसमें आड़ा कोई बिजली का काम को नहीं, किसी प्रकार की कोई बिजली नहीं है, सारी सौर ऊर्जा तैयार कर रखी है। राम राम जी, क्या नाम है आपका? नाम मेरा सुरेंद्र, सुरेंद्र द्वारका गुडाण, गांव द्वारका गुडाण। हाँ। तो उरे तो यहाँ वर्कशॉप बना रखी, पूरी फैक्ट्री ला रखी है आपने। हाँ। यह किस तरीके से के दिमाग में आई तरीके से? तो ये देखो जी, मैं बताऊँ आपने, अपने दर्शकों भी बताऊंगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट दिमाग पर डिपेंड करता है। मेन तो यही है, और हमने भाई मारे जो मानो हमें भाई जंगल में रहा, तो जंगल में रहने की वजह से हमारे बिजली की परेशानी रहा करते, हम जितना भी अपना वर्कशॉप का काम करा तो हमारे ताकि परेशानी नहीं आओ। हाँ। इस वजह से हमने ये अपने दिमाग के खुद ये सेलक्रोनिक कंपनी का जो इन्वर्टर या सेटअप लगा करके, जो हमने अपना वेल्डिंग सेट चलाना है, कंप्रेसर मशीन चलानी है, जो भी कोई काम है सब घर के चाकी गणा से गीजर जो भी है सब लोड उठाता है ये, जैसे डबल लोड पड़ गया तो अपने यहाँ वेल्डिंग सेट को बंद कर देंगे, घर का लोड ज्यादा हो गया तो हम उसको यानी फ्रिज ओ फ्रिज एसी तो कुछ भी ना है, फ्रिज एसी तो डबल एसी, अच्छा दो दो किलो वाट के, दो दो किलो वाट बिल्कुल, दो दो किलो वाट के दो एसी, अच्छा हाँ, और मेरे खुद के ऊपर भी लगा हुआ है किधर तो 1,500 वाट का, एक नीचे लगा हुआ है बाथरूम में, हवाड़ी नहीं मैं बता दिया आपने, यहाँ दो इम्प्लीमेंट ड्रिल है, हवाड़ी है, जो भी इम्प्लीमेंट चलता है सभी हमारा इसी के वजह से चलता है। क्यों? एक तो बिजली की छापे मारी ज्यादा। हाँ। फिर चोरी हम करते नहीं, तो भाई देखो पैसा तो देखो थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़े। हाँ। पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय वो दूसरी तरफ करने की बजाय हमने इस तरफ कर दिया, गुंडी लगाओ नहीं नहीं गुंडी नहीं तो हमने कदे लगाई। हाँ। मारा कनेक्शन नहीं था पहले। हाँ। हमने फाइल अप्लाई करी, उन्होंने बोला कि ये इसका होता है ना जो कनेक्शन, ये इसका हाँ, हाँ। वो कनेक्शन बोला भी ये तो डबल मार होगी, फिर वो फाइल रिजेक्ट करके फिर हाँ। हमने सोचा कि एक बार पैसे लगाने से यानी लाइफ टाइम का काम, सौर ऊर्जा की सौर ऊर्जा का लाइफ टाइम का काम, अपना ट्यूबवेल भी चला जाओ, ट्यूबवेल चलाओ अपना घर का इम्प्लीमेंट चलाओ, ट्यूबवेल चलाते हो तो इस लाइन को कट करो ट्यूबवेल चलाओ, अच्छा और जितना भी इम्प्लीमेंट ये जो हमने ये चालू कर रखे सब इसी की बदौलत से, इसी की बदौलत। हाँ। और कोई कई भाई ये कह देते हैं यूट है, उनसे मैं ये अपील करूंगा, देखो भाई पैसा तो देखो थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा लेकिन लाइफ टाइम की, खासकर अपने दर्शक साथी हैं। हाँ। आज यू दिखाने का मकसद क्या है अपना, यू मकसद है भाई किसान परिवार में जन्म जद ले हुए है तो उसके पीछे बहुत सारी उसने अपने खेत की है, घर की है, लाइट है, बिल अब बिल की जब बात आवे है, कड़िया बिजली का बिल भरना है, कड़िया अपना फोन का बिल भरना है, वे कड़िया पे पानी का बिल भरना है, ट्यूबवेल का कनेक्शन का नया बिल भरना है, बहुत सारे काफी प्रकार के बिल हो जाए और वो बिल सारे बंद कर दिए भाई सुरेंद्र ने जो बताया कि भाई उड़े आपे ने सारे बिला का समाधान कर रखा है, सारे एक मुफ्त बंद। भाई किसी भाई के भी डाउट हो तो आ करके मैंने पूरा एड्रेस दे दिया है, मोबाइल नंबर भी दे सकता हूँ अगर जरूरत हो तो, जरूरत के दे देते हैं 94163-0398। चौरानवे दोबारा से सुन लो, 94163-0398।
0-13-98-22 नंबर पर आप संपर्क कर लियो। और यह देख बयाड़ स्कूटरी भी जो अपना पेट्रोल की स्कूटरी है वह भी खोल रखी है नारी नारी। इसका इंजन का काम करो हो और मिलवावांगे भाई तक के नाम आपका राम राम भाई। राम राम भाई। रवि कुमार। रवि कितने पढ़े लिखे हो आप? MSc कर रखी है मैथमेटिक्स। MSc कर रखी है मैथमेटिक्स। हाँ, BSc, MSc और BEd। अरे भाई ये देखे भाई क्या बता रवि भाई रवि तो आपकी मुलाकात का ही। रवि इसके बारे में थोड़े अपने किसान भैया क्योंकि जो अपना जो ट्यूबवेल चल रहे है नी और ट्यूबवेल भी साथ साथ चले जावर खेता में आज अपना रहन बसेरा बहुत सारे किसान भाई खेता में रहे हैं और खेता में रहते रहते जो ट्यूबवेल तो चले चले सारी अड़ चला देखो नी घर की लाइट भी आप यूज कर ले जब जिस टाइम पर ट्यूबवेल का यूज नहीं हो उसके एक्स्ट्रा टाइम में हमें इसी ट्यूबवेल वाली सोलर को यूज करके इसी लाइट को घर पर भी यूज कर सका हमें। वो किसान अपने हिसाब से जो जरूरत के हिसाब से इन्वर्टर लगाए 3 किलोवाट का लगाए 5 का लगाए या 6 का जो अपने लोड के हिसाब से। ये इन्वर्टर है कहने को तो 5 किलोवाट है पर जरक लोड 10 किलोवाट का उठा 10 किलोवाट का लोड उठा लेता है एक टाइम पर। हाँ ये वेल्डिंग सेट आराम से चलाता है घर का चला के दिखाइए आर यू रहने दिखा दे भाई। ये देखिए जो ये प्लेट है ये प्लेट लगा रखी है भाई ने 1-2-3-4 1-2-3-4 प्लेट एक लाइन में है, है? तो 8-8-16 प्लेट होगी 20 है 5-5 है तो ये 20 प्लेट लगा रखी है भाई 7.5 किलो वाट। और चलाइए वेल्डिंग सेट ये देख भाई वेल्डिंग सेट 20 का गलत चल रहा है हरिया मोटर भी चलाइए वेल्डिंग भी आप इसका गलत चला रहा है तो बहुत नॉर्मल बात है। अपनी जो एसी है कूलर है पंखे है सारे डाल की जो चीज यहाँ पे घर की जो यूज होने वाली है मोटर है पानी की मोटर है चाकी गंदा से है सारा सौदा चल पड़ेगा भाई। तो इस तरीके से अपने रवि भाई ने दिखाया भाई यू ये देखो भाई यह मोटर चल पड़ी यह मोटर भी है और भाई अपना जो बर्म हाँ चाकी गंदा वाली मोटर है पूरा चाकी जितना लोड है चाकी गंदा सही है सिर्फ जब ये 2 किलोवाट का लोड लेती है पूरा आराम से चला जाए 5 किलोवाट का लोड करंट करंट भी मारेगी ना ना और कुछ नहीं मार करंट मार देगा। अरे यू बर्मा भी इसे गला वाय चाकी गंदा सड़ी है मोटर वाय ये ड्रिल लगी है चल रही हाँ यू बर्मा है ड्रिल है भैया भी दोनों इकट्ठी चल पड़ी इकट्ठा पूरा चल रहा है इसके साथ में ये अगर वेल्डिंग साइड चलाना हो ये बंद कर दो वेल्डिंग साइड चला। अच्छा हाँ ये इस तरह की नॉर्मली चलानी हो तो 3 मोटर आराम से चला 3 मोटर चला मोटर आराम से 7.5 वाट का हाँ 7.5 का है 5 किलोवाट का इन्वर्टर 10 किलोवाट का लोड है और बैटरी क्या लगा रखी है चार मिनिमम 4 बैटरी लगाए हुए मैक्सिमम 40 बैटरी लगा रहे इसको 40 बैटरी ने भी यू जो इसका जो चार्जर है यू 120 एम्पीयर का चार्ज है पूरा 40 बैटरी तक की पूरी कैपेसिटी है मिनिमम 48 वोल्ट 4 बैटरी। इसमें आप एक कैश कहा जिस तरह एक बिजली का इन्वर्टर आया करे है ठीक यू सौर ऊर्जा का इन्वर्टर हो गया नॉर्मली इस पर 48 वोल्ट 4 बैटरी इसको विदाउट बैटरी भी यूज कर सकता ऑन ग्रिड के तौर पर। अच्छा। और ऑफ ग्रिड अगर बैटरी लगानी तो ऑफ ग्रिड यूज कर तो रात ने पूरा बैकअप दे पूरा बैकअप दे आराम से घर का पूरा लोड दिन के टाइम पर सौर ऊर्जा उस टाइम पर तो कितना लोड चला ले जाए कोई दिक्कत नहीं और मैक्सिमम ये की बैटरी का यूज कर दिन के टाइम पर पूरा सोलर जितनी हो सके उतना पूरा सोलर को यूज करे। और ये देखो भाई एक किसान का बेटा इतना पढ़ा लिखा होना के बावजूद भी तेरा दिमाग कुराया बस इसके साथ साथ नौकरी की बात देखने लायक है छोरा नौकरी लगेगा छोरा अपने पाया पर खड़ा होगा छोरा अपने पाया पर न्यू खड़ा होगा आपका दम पर खड़ा होगा सरकार का दम पर कुछ नहीं यार। देखो नौकरी का तो किस्मत का बात है और अपना लक में लिखी होगी तो नौकरी तो साथ साथ बंदा तैयारी भी करता रहे और ये काम भी अपने तो अपना यू है भाई खुद का दिमाग बहुत सारे जो पढ़े लिखे है नी उनके अंदर हमें यह कह सकता है खुद का दिमाग को नहीं वो पैदल है और खुद का दिमाग यू है भाई अपने पाया पे ये देखे यू जो पेट्रोल का इंजन है यू काम सीखा था आपने ना ना कहीं नहीं सीखा बस यही अपने दिमाग से अपने हिसाब से पर दिल में कभी ये नहीं आएगी ये काम नहीं कर रहा होता ये काम नहीं होगा मतलब हर किसी तय एक पंगा लेना हर जो चेतावनी है उसको स्वीकार करना
तो यह चीज है भाई। दिल में बस ये आई को काम कठिनाई के सामने आया तो मन में ये नहीं सोचा कि घबराहट नहीं होगी, ये काम नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, सुधार ने कुछ काम तो बनेगा। ये देखो भाई, बहुत सारे जो है वो इस बात न लेके हो जाए कि भाई इसकी खोल जाएगा तो बिरयानी के हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होता, वो दो दिन पाछ हो जाएगा, लेकिन उसका गला दिमाग की लड़ाई तो लड़ो। तो या दिमाग की लड़ाई लड़ो, दिमाग की बंदा कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ नया सीखने को जरूर जरूर मिलेगा। और इसका गल्ला है, और भी जो कारोबार है आप और भी काम कर देंगे नहीं? हाँ, पूरा रो कल्टीवेटर ट्राली का काम, शेड वगैरह जैसे इस तरह का ये तैयार कर रखा, पूरा करना पूरा गेट हो गया, ये होगा गेट हो गया, चिनाई का हो गया, पूरा काम एक साथ होता है। अच्छा, हाँ। तो ये देखो भाई, वो कागर नहीं, असली विश्वकर्मा, असली विश्वकर्मा के भगत आपने उरे दिखाई देंगे। चिनाई का काम, जो हाथी का मिस्त्री का जो काम होया करे है, तगारिये का जो काम होया करे है, वे काम भी अपने खुद करके हैं रवि भाई ने, रवि रवि का पापा ने निकाल रखे। ये लगाना सब काम करना, ऊपर चौबारा टाइल लगाना, प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रिक का काम, जय महाराज, अरे बस की वायरिंग करवा ला इस लड़के के पास। क्या क्या का काम करवा ले, किसे काम में ना को नहीं। रवि तेरा नंबर और दे, 98128-25313। और ये देख मैं दिमाग टिब्बक है, राजस्थान कम है नु मान लो, जो राजस्थान आगरा नहीं क्यों साथ में लगता, राजस्थान आ जाए 20-25 किलोमीटर पे राजस्थान का एरिया लगता है। 20 किलोमीटर आगे लो, आगे राजस्थान ही राजस्थान, आगे तो राजस्थान ही राजस्थान है। अर्धमा प्योर टिब्बक है बैठा है भाई, जड़े लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, तो उस व्यवस्था का गल इस भाई ने, यह देख ले भाई इतना बढ़िया। ये देख जो वेस्ट हो स्क्रैप जो बिजली के पोल है, ये भी भाई ने उरत खड़े करके, और नीचे इनका जो नीम है फर्मा भर के और नीचे का यूज कर लिया, और ऊपर पिलर ये लगा के, जो टूटे खंबे आग रहे हैं ये देखा दे भाई, टूटे खंबे का भी इस तरीके से यूज कर लिया भाई ने, ये काम में लिए है। किसी प्रकार का जो स्क्रैप है आप बहुत सारे एक बिना काम का रा रास्ता में गिर जाएंगे, ये चीज रा रास्ता में गिरेंगे नहीं, इनके जो ये तार है, ये तार या तो अपने पान फोड़ेंगे या किसी साधन काटेंगे, एक्सीडेंट का कारण भी हो जाए, तो इस तरीके का जो स्क्रैप है नहीं भाई ने वो भी यूज कराया है भाई। ये खुला हो गया हवा में, जो टीन वाला साइड है वो तो गर्म भी रहे, नीचे हवा की क्रॉसिंग भी होती है, नीचे गर्माहट भी नहीं हो और खुले में काम भी कर ले। अच्छा, इसमें जिस रही भी या सारी मकान लग भी आप जया लपाई लिपुई है या भी खुद रख, ये देख ले भाई सारा काम है, वो जो कारण असली विश्वकर्मा का मंदिर लगा रखे अंदर, जो भी काम फिनिशिंग खुद बाबू बेटा ने आपने करी है और आपने चढ़ाई करी है सारी, तसल्ली करो बोलते हो, यह चीज आकर भाई अपनी जो तकनीकी का लोहा मनवाओ है, तो ये देखा आज आप मकान में घुस गया, हाँ ये देखो भाई बिजली वाले जो आम है, एक बार कुत्ता ने बांध लियो जी, ये यू कुत्ता पाड़ से गया हमने तो ये देखो भाई कुत्ता भी पाड़, खैर जब कुत्ता है सबसे बड़ा वफादार हुआ करे अपने किसान का, दो रोटी खावेगा तो वो उस घर की रुखाड़ रखेगा। और ये देख ले मड़ी ही आवाज सुन दे, यू बाहर आ गया था भाई, ये देखो कितना बढ़िया इसने भाई ने रवि ने बना रखा है, औरत है लाइट लेके आ रहा है, और ये औरत फिर सारी पूरा घर की लाइट मकान लग दे दी, मैन पॉइंट दे दिया या सारा मकान में चले गई। ये स्टार्टिंग अच्छा, ये खुद ने बनाया है, ये देख ले भाई, ये चौखट दंगले किमें भी बनवा सके इस भाई पे, मतलब किसी भी काम की ना कोई नहीं। बैरवी ये जो ऊपर बताओ थे वो और दिखा गया टाइल कतोड़ को सताई पड़ी, ये देख भाई मेरे दर्शक साथियों बने रही हो आपने देखा मैंने, अच्छा यह यू सारा काम आपने कर क्या है, किसी ने कोई काम कर दोगे कौन कर दोगे तो सारे भाई, मैं तो यह कहूंगा भाई कि रवि क्या भाई हो तुम्हें, बस एक 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 लड़का एक लड़की, अच्छा एक बाण है, अच्छा स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, तो आप पर दो लड़के एक लड़का एक लड़की, हाँ एक लड़का लड़की, तो भाई देखो एक साथ की साथ पढ़ाई भी करवाई है, और रवि ने हर चैलेंज को स्वीकार भी कराया है कि भाई हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे अंदर जो हुनर है
उस हुनर को हम निखार के भी लिया सका। हाँ, उस कहे एक टाइम गलती उसके दूसरे टाइम को नहीं हुआ। ये देख मैं रसोई में बढ़ के इस तरह के मन साप में नहीं फेटे होंगे सारी जो ये सारे खुद ने बनाए हुए ये देख ले भाई। अच्छा ये सारी खुद की फिटिंग है भाई। ये देखा अच्छा ये देखो भाई लत्ते धोने की जो मशीन है कपड़े धोने की जो मशीन है ऑटोमेटिक। अच्छा पानी भी ऊपर दिखावांगे भाई ने आगा जा भाई आगा जाओ आप ऊपर दिखावांगे भाई। अब बने रही हो मेरे साथ में आज तो जो दोनों बाबू बेटा जो तकनीक का जो लोहा मनवा रहे हैं टिब्बा का मैं चुगुरदा टिब्बा दिखाइए भाई सारे झंडी खड़ी है यू धरती माता का श्रृंगार आप दिखने लग रहा होगा चुगुरदा है ये आप देख सको हो अरबे जो यू बिजली का जो कनेक्शन है यू अपने खेत के लिए अलग से भी ले रहे हो। ये देखा भाई सारी चीजा के ठा ठा पे तो लग तो यह थी दिमाग में आग बिजली का तो ये यूज कौन कर रहे लेकिन खेत में ट्यूबवेल के लिए अलग से भी क्यों जमींदार किले का जमींदार है अपना जमींदार है मेरा सिर्फ चार किले का चार किले का जमींदार अभी करे हैं। और फसल कौन सी फसल सरसों गेहूं और ये क्या नाम है ये बाजरा ग्वार और जो असाडी और सावनी की दोनों मतलब अपनी भाई जमींदार ने भी कोई फसल के परहेज को नहीं होते कोई भी फसल अपनी अगर जो आप बोना चाहो अपने दिल में इच्छा है की हमें यहाँ पैदा करेंगे तो वह पैदा आप एक लेस का लगा ये, देखो ये जाली आपने खुद लगाई है। अच्छा अच्छा ये फरमा है तैयार करके ये देख ले पूरा बाथरूम की फिटिंग देख ले इतनी। हाँ ये सारी फिटिंग अपना आप जो लेवल है तो बाथरूम का पानी को ले करना हो किस तरफ न करना है। अच्छा ये देख भाई ये दरवाजे देख ले भाई क्या चीज को नहीं बन सकते इनका द्वारा सारी चीज बन सके है। ये खुद ये देखो भाई नीचे की जो टाइल है कितना बढ़िया डिजाइन लेकर खुद ने फिटिंग करी है सारी तो इतनी यह तो वह होगी भाई एक चिड़िया कोई भी पक्षी है एक अपना घोंसला तैयार करे है तो वो किसी की मदद को नहीं चाहता वो खुद वो भैया होया करता आपने देखा भी होगा कई जगह एक भैया आलना बना हुआ है वो किस तरह हाँ दिखावांगे भाई क्योंकि वो सबसे बड़ा इंजीनियर बताया भैया क्योंकि अपना घर ना इस तरीके का डिजाइन करया करे है भाई वो किसे भी तरीके की कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आज देखो यहाँ लाइट है किसी को मैं अच्छा और ये देखे जो अपना कप है वो स्टील का जो कप है हाँ जल की हाँ जो भैया कारण है कि आप बात कर रहे थे भाई कितना भी तूफान आ जाओ आंधी तूफान उसका एक भी अंडा बच्चा बाहर नहीं पड़ेगा। हाँ ये चीज है ये चीज है और इसके अंदर जो भैया है नी वो इसी तरीके से इसके अंदर बढ़ेगा ना एकदम से इसके अंदर चंदना हो जाएगा लाइट आ जाएगी इसका भी मॉडल बनेगा रंग करके हाँ। पुताई कर रखी अच्छा हाँ। तो यू आग्रह भैया का आपकी तरफ भी भैया का आग्रह हाँ, हाँ तो इसके अंदर आपने बता दूं मेरे दर्शक साथियों पकड़िए भाई यू जो दरवाजा है इस मैल का मैल कैस का है क्योंकि जो पक्षी है किसी तरीके से गूंदे है एक एक तिनका तिड़कन है इस तरीके से गूंदेगा जिस तरह अपनी बाण बेटी दरी बुने आग्रह दरी तो भी बढ़िया और फिर इसमें नहीं अलग से उरो को जावेगा और फिर इस तरीके का आग ले होगा यू आग लेके फिर उरे युवा अपना जो घोसला है वो तैयार करेगा किसी भी प्रकार का आंधी तूफान आ जाओ यू नहीं घूमे जाओगे आंधी में तूफान में लेकिन वो गिरेगा जी यू
इतनी ठाडी मजबूती यू दे है आजकल के जो मिस्त्रियां पे लेंटर तरह पे जो बीम पे जो तैयार करा नीचे की नीम मजबूत करके ले आवा हाँ। सबसे सबसे बड़ा यू कारीगर बताया भाई यार ये दोनों बाबू बेटा इस कारीगर तक कम नहीं है भैया सारी चीज दिखावांगे आज इनके आज आप इसी जगह पे पहुंचे हैं भाई मेरे किसान साथियों मेरे दर्शक साथियों ये हर प्रकार के इंजीनियर है हाँ हाँ और ये देख भाई ऊपर दिखाइए जुगरा पे छैन बना दिया करते वो इतनी बढ़िया छैन बना करते उसमें पानी कौन पड़ा ऊपर टीन है और इसके अंदर गर्मी के महीने में तो सोन का आराम करने का बजाय डरा है हाँ तो ये देख ले भाई पंखा भी पूरा या जो बल्ली की बल्ली है नहीं भाई पूरी सफेदा की पेटी गेट रखी है शायद या पूरी है लाइट वाला सिस्टम है हमारे देखो अच्छा लाइट का सिस्टम मीटर भी दम दो भीतर ला दिया ठीक है तो इस तरीके से जो लाइट अपना जो खेत में बिजली का कनेक्शन है वो अलग यूज करो हो और मीटर का तो बिल को नहीं आता होगा का तो कुछ नहीं नॉर्मल जो बिजली वाले कुछ को नहीं आते होंगे भाई क्या कर रहे हो देखा तो चले गए अच्छा हाँ आकर के चले गए फिर वो या तो बिजली की जरूरत को नहीं पाया था पानी का क्योंकि मैं बता दूं भाई इस तरीके के जो आया करे है वो रिश्वत न के बोला करे चाय पानी अरे हमारा किसान का जो चाय पानी हो वो आदर और सम्मान हो है जिस तरीके की हम के कटिंग वटिंग सब रिपेयरिंग हाँ होता। तो ये चीज आप लग दिखाई बार ये देखो उरे चाकी गंडा से ला रखे हैं ये भी सौर ऊर्जा है यू पशुओं का चारा काटन थी अपना जो पशु है वह पशुओं के लिए सन्नी जो काटा कर आप है वह सन्नी इस तरीके का काटांगे काचर भी ले रहे हैं तो वह है और भाई इस चीज का या तो घनी गजब की चीज ले रहे हो बता हैं और भाई ये इस चीज की अगर जो चटनी खा लोगे नहीं अरे यू वो कहा रहे हैं बोले टमाटर सब्जी ने सुधारा है यू सुधारा है अरे भाई सबसे बड़ा सिंगल फेज में स्टार्टर नहीं मिलेगा गाँव में कहीं अच्छा थ्री फेज का स्टार्टर सिंगल फेज का बना के लगा सिंगल फेज का बना के लगा रखा भाई यू देख ले और थ्री फेज का हो इस तरह जमींदार की मोटर नहीं जलेगी मोटर को नहीं हाँ, तो मोटर की सेफ्टी के लिए ये लगा ये देखे भाई आज आपने ये कैसे कहा भाई ये अपने छुपे रुस्तम थे और भाई छुपे रुस्तम आपको शामी लेके आए हैं आज हमें और भाई देख कितने गहरे टिब्बे में ये मिले हैं हर जगह दोनों बाबू बेटे ने एक तकनीक ये देख भाई तूड़ी वाला है वो सभायत बोलिया करे दरवाणा कहानी या सभायत है भाई हाँ इस सभायत में खड़े आज बामी हाँ और उरे की जो बोली है नी भाई वह भी थोड़ी अलग है क्योंकि हाँ ना तो इनकी खड़ी कह सकते आप अरे यू कतर गल ले रहे हो भाई वीडियो बंद होने खड़ा है तो इसके आड़े जो बोली है वो ये कहा आग्रह है बे उस कानी गयो थो और उसने पानी प्या दियो पानी नाका ला दियो है नाका प्या दियो इस तरीके इस तरह की खड़ी बोल लिया मैंने बे कानी गयो और उसने नाको प्या दियो हाँ मैंने कह दिया हाँ भाई ओड़ा फलाना का दौरा गए थे और उसका दौरा जाने तब इस बात का सुलझेड़ा हो गया कि भाई यह बात बन गई और तारा के कह देंगे उसका नहीं गयो और नाको प्या दियो कड़ा गए हाँ तो भाई आज आप भाई रवि का दौरा है आयर भाई सुरेंद्र है हाँ। भाई सुरेंद्र है दोनों बाबू बेटा था आपने मिलवाया और अपने किसान भाई के अंदर अगर जो इतना टैलेंट है इतनी तकनीकी है फिर पढ़ा लिखा होने के बावजूद अपना जो किसान का बच्चा है तो उसके लिए खास बात है भाई वो पढ़ लिख के अपने घर बैठ जे है सिर्फ जो डिप्लोमा लेगा या कोई भाई किसी प्रकार का वो कोर्स कर लेगा वो अपने घर बैठ कर नौकरी की तलाश में आताश होके बैठ जाएगा क्योंकि नौकरी हर जगह नहीं है भाई अगर खुद का पे काम करांगे यू देखे भाई रवि भाई ने कितना बढ़िया काम कर क्या है आप सड के नीचे खड़े हैं और इसके साथ साथ में कितने सारे काम कितना बड़ा रोजगार इस भाई ने बना रखा है घराए कमाई कर लिया क्यों बहुत सारे एरिया का भी काम कर रहे है ये देखो भाई ये सड खतरे मुड़ रखे हैं ये जो पाइप मोड़ रखे साइड खातर मोड़ रखे साइड खातर मोड़ रखे साइड की कच्ची बनेगी नीचे स्पोर्ट खातर टीन के लिए हाँ तो इस तरीके का जो हाथ की दस्तकारी है नहीं हाथ की कारीगरी है मेरे किसान भाइयों
या तकनीक तो किसी ने कौन जान दे, या सबसे बड़ी नौकरी है अपनी, अपने जो खासकर मैं अपने जो किसान भाई हैं, किसान भाइयों के लिए मैं यह बात कहना चाहूँगा, अगर कोई भी बच्चा है ठीक है पढ़ गया लिख गया, लेकिन उसके बाद में अपना हाथ का काम जैसी भी उसके अंदर वे अनुभव है या वे जिस तरीके का उसके अंदर टैलेंट आपने दिखे है, तो वो आपने ज्यादा फिल्टर करने की जरूरत को नहीं होती, उसको उसी जगह खुला छोड़ दो, भाई करो आपका काम, वो कामयाबी लेके आओगा, क्योंकि अपना जो किसान का बच्चा है वो खेल में भी उसका रुचि हो सकती है, और भाई इस तरीके का तकनीकी काम में भी रुचि हो सकती है, तो उन बच्चे ने आप आजादी जरूर दिया करो, क्योंकि अगर अलगा अपना बच्चा रह गया तो आज जो अपना युवा है, अपना जो बच्चा है वो गलत दिशा में जान लग रहा है, भाई भटकन लग रहा है, क्यों भटकन लग रहा है, खास बात मैं एक बात बताऊंगा, क्योंकि नौकरी की तलाश में अपना आज जो जिस तरीके का माहौल चल रहा है, बोले फलाने छोरा ने दसवीं कर ली, बारहवीं कर ली, MSc कर ली, PhD कर ली, और भाई नौकरी लुआ देर पीछे से कितने ले ली, गोजबर लेगा, और वो जो लीडर हो जो नेता है उनने बनक लाग दे है कि भाई यू रुपये देवेगा, और वो रुपये फिर वो किस तरीके का एक बात बनावेंगे, अग बे मेरी बुआ का है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे यार का दोस्त है, वो फलाना लीडर है, फलाने नेता का गल है, बिल्कुल सारा काम उसका वो एक रहे है, जिन्हों नौकरी उसे न लानी है, इस तरीके का माहौल में तैयार करके, और अपने उन भोले भाले किसाना पे वो पैसा ठग लेते हैं, फिर वो जिस टाइम रिजल्ट आ ले है किसी भी नौकरी का, वो फिर कहेंगे भाई इसकी बार नहीं आ तो वेटिंग में आवेगा, वेटिंग में नहीं आ तो स्पेशल भर्ती तेरे लिए करवा देंगे, इस तरीके के वे दावे करेंगे, और वो दावे उनके फिर सारे फुस जाओगे, और फुस जाओगे तो अपना पैसा है वो फिर लटक के पटक के इस तरीके का पैसा आवेगा, वो कदे 10,000 देगा, 10,00,000 के वो ये मान के चलो भाई टुकड़े टुकड़े करके, और बहुत सारे आके तो मर जाएंगे, अगर उतने पैसे आप खराब करांगे, और फिर वो पैसे खराब होने में भाई अपना जो घर का जो माहौल है, क्योंकि बाप बेटे का झगड़ा भी उस घर में होना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, वो ये कहोगा कि भाई तेरे को इतना पढ़ाया लिखाया और तेरे लिए फलाना लग इतने रुपये दिए, और वो रुपये देंदे अबे तेरे लिए मैंने के को नहीं करा, इस तरीके का माहौल बनेगा, इस तरह का माहौल, बाप बेटे फिर लड़ाई बनेगी घर में, झगड़ा, बाप बेटे का जो है वो लड़ाई झगड़ा वो तैयार होने लायक जे है घर बिना काम का जो का बाहर की लड़ाई घर लिया, तो उस तरीके में वो माहौल जो घर का है वो खराब हो जे है, और भाई खराब होने में फिर वो जो बेटा है वो भी डिप्रेशन में चला जावे है, बाप भी डिप्रेशन में चला जावे है, बाप बेटा के संबंध खराब होने लग जे है, क्यों दे, और फिर उस दिशा में वो बेटा के कदम उठावेगा, भाई इस बाबू ने कमाई चाहिए, अरे बाबू का कर्जा चुगाना है, वो फिर गलत दिशा में या तो शराब का धंधा करेगा, या दो नंबर का कोई तस्कर बनेगा, या वो समय का सुल्फे का धंधा करेगा, इस तरीके के वो स्मगलर बन जाएगा बहुत बड़ा, और भाई उस दौरान भी वो कड़िया पुलिस का हथे चढ़ जाएगा, वो पहले तो दूसरे ने वो नौकरी के चक्कर में पैसे मरे रहे थे, फिर वो थाने पुलिस और कचहरी कोर्टा में जा लागेंगे, तो इस कारण से अपना जो परिवार है, अपना जो किसान परिवार है वो तबाह होने लग रहा है, और मैं ये कहूंगा भाई हाथ की जो जितना भी टैलेंट है उसने निखार के लियाओ, और निखार के लाओगे तो वो अपना रोजगार बन जाएगा, नौकरी मिलेगी भाग की, लेकिन जो रोजगार हाथ का कर लोगे वो पूरी जिंदगी भी भूखा को निमरे अपना कमाए के खास के है, तो इस प्रकार की हालात मेरे किसान भाइयों अपने सामने पैदा हुए हैं, और भाई यह वीडियो आपने किसी को लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो, और भाई आज आप द्वारका गांव में दादरी जिले में आप पहुंच रहे थे राजस्थान के नजदीक, आप लग दिखाया बारिया चीज अपने वर्कशॉप पूरी फैक्ट्री दिखाई इन बाबू बेटे की, भाई बड़ी गजब की फैक्ट्री ला रखी थी, हर जगह जो नुकाकरणी टैलेंट चमकता है, तो हर जगह भाई रवि का टैलेंट जो चमक के आया है, निखर के आया है, और भाई हर बार ये कहेंगे भाई हम तरसे जावांगे तो और निखरे जाओगा, तो अपनी जिंदगी है अपना अनुभव है उसमें तरसे जावांगे और निखर निखर के आए जाओगा, या करीम तैयार होगी, करीम तैयार होगी तो या कदे न कदे
पूरी कंपनी भी तैयार हो। सही कह रहे, ऐसा सपना है। हाँ, ये देखो धीरे धीरे बंदा अपना काम करता रहे, कोई भी काम करेगा सुई चोट में बंदा ये सोचेगा ये तेरे से काम होगा ही नहीं, तो वो फिर बंदा किसी काम को शुरुआत नहीं करता। यही सोच के तो बंदा ये कि काम किसी तरह का, बंदा मन में कुछ घबराहट नहीं लाएगी, नहीं सोचे काम ये नया कोई काम मिल गया भी ये काम तेरे से होगा नहीं, तो वो बंदे से काम बनता ही नहीं यार। बंदा ये सोचे कि काम चलो आज नहीं होगा, दो दिन बाद में होगा, तो लगा रहेगा तो काम होगा जरूर। एक काम और बताऊंगा, जिस तरह आजकल कोई भी जो आप तो ग्राहक लग रहे हो, किसी पर सीखा भी नहीं, लेकिन आजकल जो काम है किसे बच्चन है भाई कि मैंने कि मैं काम कर ले आज तू कंपनी में उस फैक्ट्री में लुआ जाए तू काम सीख ले, काम को नहीं सीख दे भाई, को नहीं सीख दे नहीं ना, ना। और इसका तो लोहे को जानते बोले आँख खराब हो जाएगी, आँख खराब होगी तेरी ना ना, आँख तो देखो धीरे धीरे एकदम शुरुआत में आदत में डल जाए, वही आंखों को वही आदत हो जाए धीरे धीरे, जो बंदा काम कर ले उसी हिसाब से शरीर डल जाए। या को नहीं देख दे भाई आँख नहीं खराब होगी, कोई भी चीज है उसके अंदर आप मेहनत करांगे देखो थोड़ा हाथ शरीर में कष्ट जरूर आएगा, और कष्ट होगा तो कदें कदें सुख भी होगा, और वो बंदा धीरे धीरे काम करेगा तो उसमें धीरे सुधार आता जाए, निखार भी आओ एक ना एक दिन काम में भी सुधार आता जाएगा। एकदम तो देखो किसी के पास 100 का 100 पूरा काम नहीं बनता, पर धीरे धीरे कोशिश करेगा तो काम होता जाए। कोई नहीं सीखा, पेट में तो सिर्फ मां एक अपना जन्म देते है और उसने पाल पोष के बड़ा कर दे, लेकिन सीखने में तो आ रही बहुत कुछ है भाई इस धरती माता पे, आ रही है बंदा प्रैक्टिकल करेगा जब ही सीखेगा, और थ्योरेटिकली तो कोई सीखा ही नहीं बंदा। जितना टाइम आपने पढ़ने में लगाया उस टाइम आप ये मानेंगे चौथाई हिस्सा, अगर अपने पाया पे खड़ा होना है नौकरी ना मिलने के आसार आपने दिखे है साथ के साथ, अगर जो एक चौथाई हिस्सा अपनी जिंदगी के लिए इसमें कोई भी काम, यानी यार स्कूटर मोटरसाइकिल का है, गाड़ी का है, भाई मोटर बांधने का है, कोई इलेक्ट्रिशियन बिजली का है, भाई इस तरह वर्कशॉप का है, कहीं भी तो काम हम कर सका। हाँ, तो वो एक चौथाई जो समय है वो आप देना ना पूरी जिंदगी की रोटी डेली बड़ी आरामदारी से आप लेस का है, धीरे धीरे घंटा दो घंटा भी बंदा अगर रुचि हो तो धीरे धीरे सीखने की कोशिश करे तो एक ना एक दिन जरूर सीखेगा। तो ये देखे भाई आज आपने मिलवाया भाई रवि, तैयार मिलेंगे कोई और नई जानकारी के साथ में, नई वीडियो के साथ में। आर भाई राम राम, धन्यवाद। ईब खाल्या कचर।